युवा जागरण एथलेटिक संस्था, यहाँ पे हर एक सेना की तैयारी बच्चों द्वारा की जाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत यूट्यूबर चैनल को। हाँ तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं युवा जागरण एथलेटिक्स, जो कि भटनी शहर में एक टेंगा गांव में एक ग्राउंड है। हाँ, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसीलिए सोचे हैं कि आप लोगों को चलिए कहीं घुमा लाते हैं और एक ब्लॉग बना देंगे। इसी कारण हम आए हैं अगडेंगवा ग्राउंड पे। आप देख सकते हैं ये रहा अगडेंगवा ग्राउंड, जो कि बहुत बड़ा है, लगभग 200 मीटर का है। चारों वहाँ बच्चे हैं सब, और वो एक मंदिर है पास में। ये मट्टी गिरा है, पीछे देख सकते हैं। जिन दोस्तों का जंप अभी तक बढ़िया नहीं हुआ है, वह इसी मिट्टी पर अपने जंप को और बेहतर बनाते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये बस जंप के लिए ही मिट्टी गिरा है, इसका कोई और दूसरा कारण नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पर भी है कुछ मिट्टी, वहाँ पीछे भी है। चाहिए और देखते हैं, यहाँ पर बहुत कुछ है, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए यह वही ट्रैक है जिस पर बच्चे अपने दौड़ को बनाते हैं। ये लगभग एक पट्टी 100 मीटर का है, आगे भी बताए हैं कि पूरा ग्राउंड 200 मीटर का है। ये रहे कुछ और यंत्र जिस पर बच्चे अपने तैयारी को करते हैं। देख सकते हैं पीछे वो बैठने के लिए बनाया गया है, आराम करने के लिए। और ये है बच्चे इस पर बीम वगैरह हाइट के लिए अपना कार्य करते हैं। देख सकते हैं पीछे मेरे एक भाई हैं जो इस ग्राउंड पे अक्सर आते हैं। मैदान काफ़ी बड़ा है, सुबह यहाँ पे अधिक बच्चे मिलते हैं, शाम को थोड़े कम आते हैं। गर्मी इस समय चल रही है इसीलिए, वैसे अभी कोई फॉर्म नहीं निकला है। जब तक फॉर्म नहीं निकलेगा बच्चे बहुत कम आते हैं, फिर भी 100-150 आते हैं रोज। पीछे एक स्कूल है, ज्ञानोदय कृषक इंटरमीडिएट कॉलेज नाम है। ये जस्ट ग्राउंड के बगल में ही है, इंटर कॉलेज है। सुबह में अंकल भी आते हैं लोग जो योगा करते हैं, और भी बहुत से लोग आते हैं जिनको ग्राउंड से लाभ लेना है, वो आते हैं और लेते हैं। आप लोग भी आना है, अगर आप नज़दीक के हैं तो आ सकते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं होता है, बैन उन नहीं है, कोई भी आ जा सकता है। हाँ दोस्तों, चलिए अभी आपको दिखा रहे हैं वो मंदिर है, और कुछ लोग जो अभी तक यहाँ से सफल होकर और देश सेवा में लगे हैं, अभी आप लोगों को उनका लिस्ट दिखाएंगे हम, जो कि वहीं पे बना है मंदिर के पास। बहुत से लोग हैं जो अभी तक हैं, चलिए दिखाते हैं। ये रहे वो भाई जो अभी तक सफल होकर और अगडेंगवा ग्राउंड के शोभा को बढ़ाते रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनके योगदान से यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और ये रहे दोस्तों के नाम बाबा हैं, आप जो देख रहे हैं। बाबा को यहाँ पे बहुत माना जाता है, बाबा की ही कृपा है कि बच्चे अधिक से अधिक सफल होते हैं। और बच्चों का भी लगन और मेहनत को देखते हुए बाबा अपनी कृपा बच्चों पे बनाए रखते हैं। बच्चों की ही देन से बता रहे थे ये मंदिर का निर्माण हुआ था। ये 20 अप्रैल 2018 को मंदिर बना था, और उसमें बाबा की मूर्ति को स्थापना किया गया था। बहुत भव्य कार्यक्रम था, उस समय शायद हम वीडियो नहीं बना रहे थे, नहीं तो आप लोगों को ज़रूर दिखाते। हमारे साथ सोनू भाई हैं, ये भी ग्राउंड पर रहते हैं, अभी वीडियो में आप देखें आगे। ये भी बहुत अच्छा स्टंट कर लेते हैं, इनका एक दो स्टंट आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। इन्होंने इसी ग्राउंड से अपना स्टंट सीख रहे हैं, कोई सिखाता इन्हें नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छा मेहनत करते हैं, और शायद ये भी देखिए भगवान की देन होगा, बाबा की देन होगा, तो ये भी आगे बढ़ सकते हैं। लगन और मेहनत करते हैं, इनका एक वीडियो अभी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के लास्ट में हम दिखाएंगे आप लोगों को इनका इंस्टा। 1 2 3 कम ऑन।
ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।